हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए बनाएंगे हम सब की फेवरेट बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस पाव भाजी। तो ये देख सकते हैं आप, पाव भाजी बनी है। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कुकर लेंगे, गैस पे चढ़ा देंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, आप इसकी जगह पे रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं। और इसमें डाल देंगे हाफ चम्मच जीरा, साबुत जीरा, और हमने यहाँ पे थोड़ा अलग ट्रिक यूज किया है। तो इसमें हम खड़ी मिर्च चार डाल देंगे ग्रीन, और डाल देंगे इसमें चार बड़े कटे हुए टमाटर, और इनको अच्छे से मिक्स करिए और इसे मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें कटे हुए बैंगन और आलू डालेंगे। आलू मैंने यहाँ पर एक पाव, और बैंगन को भी एक पाव, थोड़ा सा ज़्यादा है बैंगन, डाल देंगे काट कर। इसे धुल कर अच्छे से फिर डाल दिया जाएगा, और इसे अच्छे से मिला लीजिए। चलिए हम इसको मिला दे रहे हैं अच्छे से। तो इससे आपका गैस की बचत होगी और आपको मैसर से इसे मिलाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसमें थोड़ा सा एक कप पानी डाल देंगे और सीटी लगा दीजिए, ढक्कन बंद कर दीजिए। तो ये दो सीटी हाई फ्लेम पर आने पर ये एकदम अच्छे से हो जाएगा। तो आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, हमारा टाइम इसमें जाता है, तो इसीलिए हम इसे एक कड़छी से इस तरीके से इसको हम मैश कर लेंगे। और अब हम डालेंगे तेल एक कढ़ाई में, और इसमें डाल देंगे हम बटर। बटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। तो चलिए अब हम इसमें डाल देंगे दो बड़े कटे हुए प्याज, और इसे मिक्स कर लीजिए अच्छे से। और अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो इसको मिक्स करिए अच्छे से। और अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च, यहाँ पे छः हरी मिर्च को हमने कट कर लिया है। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो कम डालिए। तो अब हमने यहाँ पे लिया है मसाला, पाव भाजी मसाला, काश्मीरी मिर्च और लाल मिर्च पाउडर। तो इन सभी मसालों को डाल दीजिए कढ़ाई में, और अब इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च को हमने अच्छे से कट कर लिया। आप चाहे इसे बहुत महीन काट सकते हैं या इस तरीके से भी कट कर सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे अब एक कप पानी, ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। तो अब हम इसमें डाल देंगे, और ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए, दो सीटी आने के बाद कुकर खोला हमने और इसे मैश कर लिया, बहुत ही अच्छे से ये हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम डाल देते हैं हमारे तड़का में। तो अच्छे से इसको डाल दीजिए, और ये देखिए इसे हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप कुकर में थोड़ा सा एक कप पानी डालकर इसमें डाल दीजिए, ताकि कुकर में जो लगा हो वो छूट जाए, और इस तरीके से इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाए। तो इसको अब हम पकने के लिए ढक देते हैं। सब कुछ पका हुआ है तो 2 से 3 मिनट तक पकाइए। तो तड़के के लिए हम बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, डालेंगे एक तवे पर बटर, और उस पर हम कस्तूरी मेथी 1 चम्मच लेकर इस तरीके से क्रश करके डाल देंगे हाथों से। और आप डाल देंगे इस पर 1/2 चम्मच लाल मिर्च, काश्मीरी लाल मिर्च। तो इसे इस तरीके से, अब चलिए हम ढक्कन खोलते हैं। ये देखिए ये पक चुका है, अब गैस को बंद कर देंगे हम। और अब हम इस पर डाल देंगे तड़का, हमारा तवा तड़का। चलिए इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बिल्कुल मार्केट स्टाइल, जैसा कि आप मार्केट में खाते हो। तो हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इतनी गाढ़ी बन चुकी है हमारी भाजी। तो हम इसको तवे पे थोड़ी सी 1 चम्मच भाजी डालेंगे, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और पाव को हम इस तरीके से कट कर लेंगे, और इस तरीके से आप इसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए रख दीजिए तवे पर, सेक लीजिए। आप बटर और लगा सकते हैं अगर आपको बटर बहुत पसंद हो तो। अब इस तरीके से बिल्कुल मार्केट वाले ऐसे ही बना के देते हैं, तो हमको बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो आप भी इस तरीके से ट्राई कीजिए। थोड़ी देर सेकने के बाद हम इसे
वापस से दोबारा रख देंगे। मार्केट जैसी पाव भाजी रेडी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्याज के साथ एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।